बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमें पढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें टीचर स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं, तुम उसे सीखो। हमारी जिंदगी में इतना लिमिट टाइम हमें मिलता है जिंदगी को सुधारने के लिए। कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, कुछ नुकसान कर बैठते हैं। हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए घरवाले क्या करते हैं, मौका देते हैं। ये बात सही है गलत है? रे वो मौका तुम्हें दिया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो 1 ईयर या 7 मंथ या 5 मंथ, इसके बीच में या तो हमारी शादी कर दी जाती है या फिर काम धंधे और संभला दिए जाते हैं। सही कह रहा हूँ क्या ये? Yes, कोई बनावटी बातें तो नहीं होगी? झूठी बातें? बिल्कुल नहीं, ये जीवन का सत्य है। जो बच्चा अपने आप को संभाल लेता है वो यहां पर अपनी बेरोजगारी को खत्म कर लेता है। अब एक बार मैं इस तरह से उदाहरण बता रहा था तो एक लड़का मेरे से बोला, क्या गुरुजी बेरोजगारी मारी तो खत्म है। मैंने कहा कैसे? क्या मेरे पापा के पास जमीन बहुत है गुरुजी। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया बात है, तेरी बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। कहता कैसे? मैंने कहा ये जमीन जो है ना, दिन प्रतिदिन आगे आने वाले टाइम में इसके टुकड़े होते जाएंगे या नहीं होंगे। घर में 4 सदस्य चारों में बंट गई, घर में 8 सदस्य 8ों में बंट गई, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है इसकी न तो कोई चोरी कर सकता, इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसको कोई बंटवारा नहीं करवा सकता। अगर आप किसी भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, लग गए, तो आपका फायदा ही फायदा है। जिंदगी के जितने भी आनंद बने ना, लेने के लिए बने हुए हैं। और तुम लोग जब कामयाब हो जाओगे तो मिलेंगे ये, कामयाब नहीं मिले तो दर दर की ठोकरें हैं और कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें मेरे लिए नहीं पढ़ना, तुम्हें अपने माता पिता के लिए भी नहीं पढ़ना, तुमने अपने बीवी बच्चों के लिए भी नहीं पढ़ना, केवल अपने लिए पढ़ना है। सही है या गलत है ये? जहां पर आपको लगे ना कि ये तो सर गलत बात बता रहे हैं, वहां पर मेरे को जरूर टोकना। सही है ये? तो हम अपने लिए पढ़ते हैं। हमारी एक रैपो होती है, हमारी एक पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी बनाने के लिए हम पढ़ते हैं। भाई साहब जो आप पर्सनैलिटी आपकी नजर आ रही है ना, चश्मा लगाया हुआ, ब्रांडेड सेंट मारा हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए, झूठी है ये, झूठी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी आदमी की आती है आदमी के कामयाब होने से। कामयाब होने के बाद में तुम सूखले रहना चाहे, लोग तुम्हारी पहचान बना लेंगे कि यार देखना बहुत कामयाब हुआ है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमें पढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें टीचर स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं, तुम उसे सीखो।